जम्मू कश्मीर में 8 साल पुराना सरेंड के मारे गए गिरोह बलात्कार में पूर्व नौकरशाह। कथुआ सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला। 60 वर्षीय संजी राम गिरफ्तारी से बच रहा था क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपराध शाखा को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। जम्मू कश्मीर के कथुआ में 8 साल की एक लड़की की अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या की योजना के लिए एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी ने आज पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। 60 वर्षीय संजी राम गिरफ्तारी से बच रहे थे क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपराध शाखा को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। पूर्व राजस्व अधिकारी कथित तौर पर बच्चे के बखवाड़ या गौथेदार खाना बदोश समुदाय के बीच भय को हड़ताल करना चाहता था और कथुआ से जनजाति को बाहर निकालना चाहता था। अपने बेटे को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक शेषपाल वैद्य ने कहा, संजी राम ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। वह जघन्य अपराध के पीछे का मास्टरमाइंड था। जबरदस्त बलात्कार और हत्या के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोप पत्र दाखिल करने के लिए एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जांच के मुताबिक छोटी लड़की को नशे की लत और बार बार बलात्कार किया गया था। जब वह रसना गांव में देवस्थान पर एक धार्मिक स्थान पर बंदी बना रहा था, उनका शरीर 17 जनवरी को जंगल में पाया गया था। एक हफ्ते बाद वह एक जगह से गायब हो गई जहां उसके घोड़े चराई थे। पुलिस का कहना है कि संजी राम देवस्थान के संरक्षक हैं, जहां एक सप्ताह के लिए लड़की को बंदी बना दिया गया था। उन्होंने आरोपों से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह देवस्थान के लिए एकमात्र व्यक्ति नहीं है। संजी राम मामले में अपराध शाखा की जांच के खिलाफ हालिया विरोध के पीछे था। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सही शाखा के कार्यकर्ता और वकील अंकुर शर्मा ने अपराध शाखा कार्यालय में लाया गया था। उन्हें तुरंत हिरासत में लिया गया था और एक विशेष जांच टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। अंकुर शर्मा जम्मू और उसके आसपास मुस्लिम बस्तियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और उन्होंने जम्मू के लिए जनसांख्यिकी को बदलने की षड्यंत्र कहने का आह्वान किया है। कल पुलिस ने उत्तर प्रदेश मेरठ में एक कॉलेज से संजी राम के पुत्र विशाल को गिरफ्तार किया। विशाल बाल के बलात्कार और हत्या में मुख्य आरोपी में से एक है। विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजरिया और संजी राम से संबंधित एक किशोर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोर को बाद में एक नौ पाया गया जो कानून द्वारा वयस्क है। साक्षियों को नष्ट करने के लिए एक उपनिरीक्षक सहित दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कथुआ में स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर फॉरेंसिक लेबोरेटरी को भेजे जाने से पहले बच्चे के खून के कपड़े धो लिए थे। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने अपराध शाखा की जांच का निरीक्षण किया है क्योंकि लड़की के परिवार ने अदालत में एक याचिका दायर की थी। हिंदू एकता मंच ने अपराध शाखा के खिलाफ एक विशाल अभियान चलाया जिसमें गलत गिरफ्तारी का आरोप लगाया गया। उन्होंने मांग की थी कि मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों को भी भाजपा के मंत्री और विधायकों ने भाग लिया जिसने एक प्रमुख राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और विपक्षी नेता उमर अब्दुल्ला ने बलात्कार के आरोपियों के पीछे रैली करने की धमकी दी। 4 मार्च को उनके ऊपर वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मल सिंह ने इस मामले में उचित जांच का आश्वासन दिया। संजीव राम की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता के रूप में देखी जाती है जो क्रूर अपराध के पीछे साजिश का पर्दाफाश कर सकती है।